दोस्तों नवंबर में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके अगर हम कटिंग अभी लगा लेंगे तो ढेरों सारे फूल आपको देंगे। ये सारे विंटर प्लांट्स नहीं, हालांकि पेरिनियल प्लांट है और चाहे जितनी भी सर्दी हो ये हमेशा खिलते ही रहते हैं, तो परमानेंट प्लांट या पेरिनियल प्लांट भी बोल सकते हैं। तो कुछ ऐसे पौधे की आज कटिंग शेयर करूँगी जिन्हें आप अभी ग्रो करेंगे तो 4 या 5 दिन की कटिंग इनकी सक्सेस हो जाती है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ मैं कटिंग ग्रो करने वाली हूँ मैरी गोल्ड की, और ये मेरी गोल्ड दोस्तों बहुत ही अच्छे कलर वाले हैं, येलो और ऑरेंज में हैं। जो बंदी वाली आती है मेरी गोल्ड ना, वो वाले हैं और बहुत ही अच्छे लगते। तो यहाँ पे मैंने कटिंग ढेरों सारी ली थी, तो मिट्टी सॉयल बता दूँ कौन सी सॉयल है, ये गार्डन सॉयल है, बर्मी कंपोस्ट सैंड, तीनों सॉयल में यहाँ पे मिक्स करके बनाई हूँ। और ये जो विंटर सीज़न है आने वाला, इसमें मेरी गोल्ड की शुरुआत की होती है और हमारा जो क्रैसेंथेमम होता है नहीं गुलदाउदी, वो भी खिलते हैं, मेरी गोल्ड भी खिलते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ पे खिलना भी शुरू हो गया, तो उन्हीं की मैंने कुछ यहाँ पे कटिंग ली हुई है। कटिंग दोस्तों इसलिए मैं लगाती हूँ क्योंकि जो मदर प्लांट होता है वो इतना फ्लावरिंग करता है कि वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाता है, तो कटिंग लगाएंगे थोड़ा सा घना भी होता जाता है, प्लस नए पौधे भी हमारे साथ तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने मेरी गोल्ड की हर एक वैरायटी ली थी, मतलब स्टेम ली थी, जैसे कि हार्डवुड कटिंग या सॉफ्टवुड कटिंग सारी तरीके से ली थी। ये ऑरेंज वाली है, तो ये टहनियाँ ना थोड़ा सा नीच पुरानी हो गई थी तो गिरी जा रही थी, मैंने सोचा चलो इसकी भी कटिंग तैयार कर रहे हैं। तो ये मतलब मैच्योर स्टैम है जिसकी मैं कटिंग लगाने वाली हूँ, तो इन्हें भी हम लगा सकते हैं। मेरी गोल्ड की कोई भी वैरायटी हो कटिंग से इजली लग जाती, सीड ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम प्रोसेस लगता है, लेकिन आपको अगर कहीं जा रही कोई अच्छी सी वैरायटी, अच्छा सा कलर मेरी गोल्ड का दिखता है ना, तो उनकी झट से आप कटिंग ले लीजिए, 3 से 4 इंच की कटिंग इनकी नई स्टेम की लग जाती है। तो दोस्तों मेरी गोल्ड को अभी नवंबर के मंथ में आप लोग जरूर ग्रो करें। इनका जो कटिंग लगने का टाइम होता है 3 या 4 दिन आसानी से लग जाता है कि स्टेम लीजिए, एलोवेरा जेल लगाइए, फिर सादी इस तरीके से भी आप कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के बाद में इन्हें छाया में रखिएगा, जब आपकी कटिंग सेट हो जाएगी 2 दिन में ही इसमें रूट बन जाते हैं, तो इनको हल्की सी पार्शियल धूप मिलेगी, फिर देखिएगा रूट कितनी जल्दी से डेवलप होते हैं। कलियां तो फिलहाल आती हुई कलियां मैंने कुछ लगाए हैं, कुछ ऐसे ही लगा दी हैं, तो मैं इसका अपडेट फिलहाल देते ही रहूँगी, तो मेरी गोल्ड को भी आप ज़रूर ऐड करें। नेक्स्ट यहाँ पे है दोस्तों हमारा वर्वीना, ये पेरिनियल वर्वीना है, वो अभी भी खिल रहे हैं, मैं जब से गार्डन में लाई हूँ हमेशा खिलते हैं, थोड़ा सा लेगी लेगी हो रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं कट करके इनको मल्टीप्लाई भी कर लूँगी, और कुछ हमारे सब्सक्राइबर है जो कि ये कटिंग उनको चाहिए तो उनको भी मैं भेज दूँगी। हालाँकि मैंने भेजा भी है कई लोगों को इनकी कटिंग, आज फिर से भी लगाने जा रही हूँ, तो जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना तो मैं और भी भेज दूँगी। ये गर्मी में भी अच्छे खिलते हैं, ठंडी में बरसात में भी खिलते हैं, मैं जब से लेकर खिल ही रहे हैं। इसमें सीड बनते हैं लेकिन सीड अभी तो मुझे कुछ का पता नहीं, सीड नहीं बने हैं, लेकिन इनमें जो कटिंग से तो मैंने ग्रो किया और उसको मैंने पड़ोस में भी दिया है, अपने मैंने सब्सक्राइबर को भी दिया है, बस अच्छे से वो कटिंग उनके पास हेल्दी पहुँच जाए। और इसमें दोस्तों एरियल रूट्स होते हैं, आप देख रहे होंगे ब्लैक ब्लैक कलर का जो होता है वहाँ पे एरियल रूट्स रहते हैं और बहुत अच्छे से मतलब लग जाती है। अगर इस तरीके से स्टेम हम कट करके छोटी छोटी कटिंग भी लगाएंगे ना तो आसानी से लग भी जाती है। तो यहाँ वर्वीना की कटिंग के कलर के बताऊँ तो इसमें पिंक कलर, वाइट कलर और एक तरीके से पर्पल कलर भी आते रहते हैं। तो यहाँ पे वर्वीना भी आप अभी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं कहीं जाऊँगी तो ऐसे प्लांट बहुत देखने को मिलते हैं कि लोगों को लगता है प्लांट ख़राब हो रहे हैं, तो ख़राब नहीं होने देना है, उनसे हम लेके कटिंग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल ये जब नर्सरी में लेने जाते हैं तो 20 या 30 रुपये के इस तरीके से मिलते हैं और सस्ते मिलते हैं, और जब एक बार आ जाएगा तो गार्डन से आपके जाएगा भी नहीं। तो अभी थोड़े से प्रूनिंग भी हो जाएगी और प्लस आपका प्लांट भी नया तैयार हो जाएगा, तो जो मदर प्लांट था ना वो अच्छे से हमारा तैयार हो जाएगा, घना हो जाएगा, और ये कटिंग भी हमारी नहीं तैयार, तो इसमें कम से कम 10 या 12 कटिंग मैंने दोस्तों लगाई हुई, छोटा सा 4 इंच का है, लेकिन कटिंग लगने के लिए कोई पॉट महत्व नहीं रखता है, बस अच्छे से लग जाए। कटिंग लगाने के बाद साइड में रखेगा और जब अच्छे से आपका सेट हो जाए तो धूप दिखाएगा, पानी दे दीजिएगा, क्योंकि इस प्लांट को दोस्तों पानी बहुत ही ज़्यादा देना पड़ता है, हैवी फ्लावरिंग करते हैं ना, तो जिस जो प्लांट ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं ना उनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ इनको पानी देते ही रहना है, लेकिन इतना भी पानी ना दे कि आपका प्लांट गल जाए, है ना, इतना भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए फाइनली मैंने लगा दी कटिंग, और बस इसके साथ और भी एक मैं कटिंग लगाने जा रही हूँ, ये मेरा टिकोमा था, ऑरेंज टिकोमा जो कि पहले से ही था, तो यहाँ पर बंदर ने तोड़ा हुआ था,
तो फाइनली मैंने सोचा चलो इसकी भी कटिंग लगा दूँ। तो मैंने पानी में रखा था और थोड़ी सी इस टाइम मुझे इसकी यहाँ पे ना हल्की हल्की सी रूट्स नज़र आ रही थी, तो मैं सोची चलो आज इनको भी लगा देती हूँ सॉइल में। और 4 या 5 दिन से पानी में ऐसे रखा हुआ था, हरी की हरी बनी है, वाइट वाइट से थोड़े से डॉट भी उसमें होने लगे, यानी कि वो रूट्स बनने वाले हैं। तो जो हमारा बरबीना का मदर प्लांट था, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा खाली है। मैंने देखिए यहाँ पे कोको ज़्यादा नहीं, कोको चिप्स या कोको के छाल जो होते हैं यहाँ पे रख दी, क्योंकि इसमें पानी बहुत ही ज़्यादा सूखता है। यहाँ हल्के से मैं जगह बना के गड्ढे करके ना मिट्टी इसमें दबा देना है, बस छाया में रखिएगा तो ये भी दोस्तों आराम से लग जाएगा। वैसे जो कटिंग लगाते हैं पौधों के बीच में, अगर हम कटिंग लगाएंगे ना तो वो पौधे जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो ये हमारा रहा टिकोमा, ऑरेंज टिकोमा। ये भी दोस्तों ठंडी में बहुत अच्छे से ब्लूम होता है, ऑरेंज कलर के खिलते, जब खिलेंगे तो अपडेट दूंगी मैं। और ये हमारा दोस्तों फ्लैक्स लिली है, यानी कि हमारा स्पाइडर लिली, वेरीगेटेड वाले हैं। तो ये फ़िलहाल क्या हुआ था, मैं दे रही थी एक सब्सक्राइबर को, तो ये प्लांट थोड़ा सा मेरा डैमेज हो गया था। मैंने सोचा चलो लगा देते हैं, उनको तो नहीं दूंगी, क्योंकि अगर किसी को कुछ देना है तो अच्छे से दें, ख़राब हुआ नहीं देना चाहिए, कि थोड़ा सस्पेंसल हो कि लगे या ना लगे। तो वो चीज़ अपने पास रखो, उनको थोड़ा सा अच्छे दीजिए, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं रहता कैसे क्या करना है। हम लोगों को तो चलो फ़िलहाल ठीक है, अच्छा या ख़राब हो लग ही जाएंगे, नहीं लगेंगे तभी थोड़ा सा वो रहता है। तो यहाँ पर इस तरीके से बल्ब होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं साइड से, तो वही वाले हैं, छोटे हैं, मैच्योर होंगे तब ये फूल खिलते हैं, वाइट कलर के आते हैं, लेकिन फूल खिले ना खिले इनकी जो पत्तियाँ होती हैं हमारे गार्डन में खूबसूरती बिखेरती रहती हैं। तो ये फ्लैक्स लिली है, छोटे से पॉट में मैंने लगा दिया, तो इनके लिए इतना छोटा पॉट काफ़ी है 4 इंच का। ये हमारी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल थी तो मैंने इसी में थोड़ा सा क्रिएट किया हुआ है। तो इस तरीके के पॉट ना गमले जो गार्डन में होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो यहाँ पर फ्लैक्स लिली मैंने लगाया है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों हमारा कलांचू है, ये ऑरेंज वाला कलांचू है, और इसमें छोटे छोटे से फूल खिलते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, विंटर वाले प्लांट है। फिलहाल प्लांट तो हमेशा गार्डन में रहता है ये 12 महीने, लेकिन खिलने का अगर टाइम बताऊं तो ये दोस्तों विंटर में बहुत अच्छे से खिलता है, स्प्रिंग सीजन में भी बहुत अच्छे से ये बने रहते हैं। एक बार खिल जाते हैं तो 10-15 दिन महीनों तक फूल वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो इन्हें भी हम कटिंग से अभी ग्रो कर सकते हैं, और मेरे पास 2 वेराइटीज़ हैं। तो फिलहाल मैंने अपने सब्सक्राइबर को भी दिया है, और एक बार आ जाते हैं तो ये हमेशा गार्डन में बने रहते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखें ये बहुत ही महंगे मिलते हैं, और बहुत ही मतलब सकुलेंट वैरायटी के, तो ओवर वाटरिंग से इनको बचाना है, और बाकी तो आ ही जाएंगे तो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, इनकी छोटी सी कटिंग कहीं गिर जाती है तो अपने आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कलर तो ऑरेंज येलो और रेड में भी आते हैं, सिंदूरी कलर में भी आते हैं, तो इनको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं आने वाले विंटर में। इनसे यहाँ पे क्राइसेंथेमम, यानी कि हमारी गुलदाउदी। गुलदाउदी दोस्तों बहुत अच्छे से विंटर की शुरुआत इन्हीं पौधों से होती है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर वैरायटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारी पोमपोम वाली वैरायटी है, और मैं इसी गमले में आ रहने थी, इनको मैंने पिंचिंग कर दिया था, इस तरीके से घने हो गए हैं। तो अगर मैं कटिंग लगाने की बात करूँ ना, तो इनकी छोटी सी कटिंग जैसे ये देख रहे हो ना, यहाँ से एक छोटी सी कटिंग ले लेंगे, और किसी भी चीज़ में आप लगा दीजिएगा, इजीली 2 या 3 दिन में इसमें जड़ें बनने लगती हैं। तो हम यहाँ पे छोटी सी कटिंग कितनी बड़ी लेनी है वो भी बता दे रहे हैं। देखिए इतनी छोटी सी कटिंग आपको देखिए लेनी है, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 इंच की कटिंग ले सकते हैं। और इनकी जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं हटा दीजिए, और इन्हें किसी भी डिस्पोजल गिलास में, ग्रो बैग में, या आप गमले में भी इनकी कटिंग गाड़ देंगे तो चल जाएगी। तो यहाँ पे मैं ग्रो बैग ले रही हूँ छोटा सा, इसी में लगाऊंगी। और आप चाहें तो एलोवेरा जेल भी लेके लगा सकते हो, या फिर आप इसमें रूटिंग हॉर्मोन्स कुछ भी लगा सकते हैं, बट अभी जो टाइम चल रहा है ना बहुत अच्छा टाइम है इनको कटिंग से ग्रो करने का, तो कभी भी लगा दोगे तो ये चल जाएंगे, कैसे भी लगा देंगे, चाहे आप इसमें रूटिंग हॉर्मोन्स या लगाएँ या ना लगाएँ, ये इजिली इसी तरीके से आप मिट्टी में गाड़ दीजिए इसे, इस तरीके से बस 1 इंच मिट्टी के अंदर रखिएगा, आराम से गुलदाउदी आपकी लग जाएगी। और टाइम जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इनको पिंच कर दीजिए, फिर और घना होता जाएगा, और जब इनका टाइम आ गया खिलने का ना तो खिलते रहेंगे। वैसे इनकी फ्लावरिंग अप्रैल तक होती रहती है, और मैं बता दूँ तो पूरे साल भी होती है। मेरे पास कुछ ऐसे प्लांट्स थे ना जो कि अभी तक खिल रहे थे, पर मैंने पिंच कर दिया ताकि उनमें फिर से कलियाँ अच्छे से आ सके, उनसे हम फ्लावरिंग ले सकें। तो फर्स्ट यहाँ पे दोस्तों गुलदावदी है, आप लोग ज़रूर कटिंग से ग्रो करें,
और भी मैंने कटिंग ग्रो करी है, फिलहाल ये मैं दिखाने के लिए बता रही थी कि आप लोग भी इन की कटिंग ग्रो कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्लांट है तो ये हमारा है कॉम्सकॉम, जिसको हम लोग मुर्गा फूल भी बोलते हैं। दो वैरायटी के इस तरीके से वाली हैं और एक ये वाली है, तो ये दोनों दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और भी मेरे पास वैरायटीज़ हैं वो अलग गार्डन में हैं, तो इनको भी इस कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम इस तरीके से है ना, तोड़ के अगर हम मिट्टी में डाल देते हैं ना तो कटिंग इनकी बहुत जल्दी से ग्रो हो जाती है। वैसे सीड से ये खुद ब खुद जर्मिनेट हो जाते हैं, अगर कहीं लगे हुए होते हैं ना तो सीड गिर जाते हैं, उन्हीं से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। देखिए कितने ढेरों सारे अभी खिल रहे, मैंने तो फिलहाल इनको गार्डन से हटा भी दिया था, लेकिन अभी कोई नहीं, पिंक कलर के फ्लावर्स ना अच्छे भी लगते हैं गार्डन में। पत्तियाँ भी इनकी देखिए अच्छी लग रही हैं, बट कीड़ों ने खा के रखा तो मैंने हटा देते हैं ताकि नई पत्तियाँ नई ग्रोथ हो सके। तो दोस्तों फ्लावर कोई भी कलर का हो, कुछ भी हो, देखने में खूबसूरत लगते हैं, लेकिन विंटर में दोस्तों बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो आप लोग के पास अगर ये प्लांट नहीं है, कहीं जाते हैं खिले हुए नज़र आते हैं, तो छोटी सी स्टेम देखिए यहाँ से इस तरीके तोड़ के अपने यहाँ पौधा बना सकते हैं और ढेरों सारे फ्लावर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं सीड से बहुत आसानी से। इस तरह के जो फ्लावर्स में देखिए बन रहे हैं, इसमें सीड ब्लैक कलर के निकलते हैं, अगर डाल दें गमले में तो फिर हमेशा आपके गार्डन में रहेंगे, जाएंगे भी नहीं और नए नए पौधे आपको देते रहेंगे। तो ये कॉस्कॉम है यानी मुर्गा फूल का हाइब्रिड भी वैरायटी आती है, जो ड्वार्फ वैरायटी इसको बोलते हैं, वो भी अच्छे से आपके गार्डन में खिले रहेंगे। तो इन्हें भी कटिंग से दोस्तों लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने डहेलिया तैयार किया अभी से ही, तो ये मैं गार्डन मतलब ग्राउंड गार्डन से लाई थी, वहाँ पे बल्ब मतलब ज़मीन में लगे थे तो ग्रो हो गए थे, मैं वहाँ से कट करके ले आई। अभी लग जाएगा ना तो फिर से मैं इनमें और भी मल्टीप्लाई कर सकती, छोटी सी कटिंग है पतली सी स्टेप निकली थी। और कुछ दिन पहले मैंने 5-6 दिन हुआ होगा लगाए हुए, तभी जड़े तो फिलहाल नहीं बन रही है, सैंड में प्योर रेड सैंड में लगाया है। तो इन्हें भी आप कटिंग से ग्रो कर लें ताकि आने वाले टाइम में, फिलहाल जो हमारे डहेलियाज होते हैं ना स्प्रिंग सीजन में खिलते हैं, लेकिन तैयारी तो हम अभी से करेंगे ताकि इनसे हम ढेरों सारे फ्लावर ले सकें। तो आप लोग भी अगर चाहें तो इनसे कटिंग ग्रो कर सकते हैं, अगर आपके नेक्स्ट ईयर के बल्ब या पौधे होंगे तो ज़रूर ग्रो करें। सीड से तो सिंगल पेटल वाले ही उगते हैं, लेकिन अगर हाइब्रिड या फिर मल्टीपल पेटल वाले चाहिए बड़े साइज़ में तो कटिंग से लगते हैं। तो आप लोग इन्हें भी अपने गार्डन में जरूर ऐड करें कटिंग से डहेलिया को विंटर गार्डन के लिए। दोस्तों हमारा होली हॉक है, और पिछले साल मतलब होली हॉक के 3-4 कलर लगे हुए थे, तो उन्हीं के सीड मतलब गिरे हुए थे, उन्हीं से उगे हुए हैं। तो अगर आपके पास इस तरीके से प्लांट बचे हैं तो कटिंग से दोस्तों लग जाती है। इस तरीके से इनकी जो स्टेम होती है ना थोड़ी सी पुरानी हो जाती, भी नहीं है, बट अगर कटिंग से लगाना चाहते हैं तो ये वाली जो स्टेम है यहाँ से तोड़ के हम नया पौधा बना सकते हैं। और फ्लावरिंग दोस्तों बहुत अच्छी है, बिस्कस के जैसे खिलते हैं इनके फूल और बहुत ही प्यारे लगते हैं देखने में। कलर बात करूँ तो पिंक येलो, येलो नहीं रहते, पिंक लाइट पिंक रहते हैं, वाइट भी रहते हैं, पर्पल भी रहते हैं, मल्टी कलर इनको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप सबको होली हॉक की कटिंग ग्रो करनी है, अगर आपके पौधे आसपास हैं या आपने पिछले साल लगाया होगा पौधे तो उगे रहते होंगे, कुछ लोग के पास सेव रहते हैं तो उनसे आप ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो सीड होंगे तो सीड तो आप लोग अभी उगा सकते हो। तो प्लांट देख सकते हैं बहुत अच्छे से भी ये मेरा चल रहा है। तो होली हॉक को भी दोस्तों कटिंग से विंटर के लिए आप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा रोज़ प्लांट है, और रोज़ प्लांट तो आप लोगों को पता है विंटर का राजा माना जाता है, और ये रोज जो होता है ना दोस्तों विंटर में बहुत अच्छे से खिलता है। कोई भी वैरायटी का, देसी हो, हाइब्रिड हो, इंग्लिश रोज हो, सारे वो विंटर में अच्छे से खिलते हैं। तो कटिंग तो दोस्तों लगानी ही बनती है। तो यहाँ पर देखिए प्लांट की ग्रोथ थोड़ा सा भी मेरी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो अभी मेरे यहाँ पे थोड़ा सा काम चालू है तो थोड़ा सा केयर नहीं कर पा रही हूँ, बट आने वाले टाइम में गुलाब मेरे अच्छे से दिखेंगे। फिलहाल फ्लावरिंग हो रही, कलियाँ भी देख सकते हैं आ रही हैं, खिल भी रहे हैं, ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो अभी मैं शायद पेस्ट लग रहे हैं देख सकते हैं वाइट वाइट से, इनको मैं हटाऊँगी नहीं, पूरा प्लांट पर इफेक्ट पड़ जाएगा। कटिंग अगर ग्रो करना चाहते तो बेस्ट टाइम है जो अक्टूबर का टाइम है, इनमें कटिंग इनकी आसानी से लग जाती है। तो मैं कटिंग से लगाने की कोशिश करूँगी ताकि हमारा प्लांट हमारे पास सेफ रहे, मरे ना। तो गुलाब की कोई भी वैरायटी हो आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा, हाइब्रिड देसी या फिर इंग्लिश रोज़।
सो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें आप मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए कुछ ऐसे प्लांट की कटिंग जिन्हें आप विंटर गार्डन के लिए अभी तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं थी, 7-8 प्लांट है जिन्हें आप अभी तैयार करेंगे तो विंटर की शुरुआत में आपको ढेरों सारे फूल देंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को हमारे लाइक शेयर और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो नए प्लांट नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।